हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घूमी घूमी। तो एक बार फिर हम लोग निकल पड़े हैं अपने एक नए डेस्टिनेशन की तरफ, और वो है चकराता। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। वैसे हमने पहले नहीं सुना था। हम लोग एक आउटफिट प्लेस जहाँ थोड़ी शांति हो, पीसफुल हो, ऐसी कोई जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है लास्ट हमारा जो रहा है ट्रिप नैनीताल का रहा है, बहुत रश था, तो वी वर नॉट सो मच हैप्पी। तो हम थोड़ा निकले हैं पीस की तलाश में। तो अभी हम निकल चुके हैं सुबह 5 बजे, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। मेरठ क्रॉस कर चुके हैं, मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले हैं। तो मिलते हैं जहां कहीं रास्ते में हॉल्ट लेंगे। बाय। गाइज, चकराता एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे किसी ऐसे ऑफ बीट प्लेस की तलाश में जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ट्रैफिक ना हो, शोर शराबा ना हो और लैंडस्केप्स अच्छे हों। तो ऐसी ही एक जगह है चकराता। चकराता उत्तराखंड का ही एक हिल स्टेशन है। अगर आप दिल्ली NCR से आ रहे हैं तो वो आपको 320 किलोमीटर्स पड़ता है, और रूट रहता है हमारा मुजफ्फरनगर से होते हुए देवबंद, देवबंद के बाद सहारनपुर, और सहारनपुर के बाद सैयाँ होते हुए आप चकराता में एंटर कर जाते हैं। चकराता में अगर आप बात करें टूरिज्म की, तो टूरिज्म वहाँ पे काफ़ी कम है, लोग काफ़ी कम आते हैं, इसीलिए वो प्लेस हमें अट्रैक्ट किया। वहाँ पे लोग कम इसलिए आते हैं क्योंकि एक तो वहाँ पे घूमने के लिए या फिर साइट सीइंग के लिए बहुत ज़्यादा प्लेसेस नहीं हैं, और टैक्सी स्कूटीज़ इसकी भी फैसिलिटी वहाँ पे कम है, और अगर आप रिसॉर्ट्स भी ढूंढेंगे तो आपको रिसॉर्ट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। हाँ, आपको कैंपिंग के लिए और छोटे मोटे जो होटल होते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। होटल ढूंढना वहाँ पर अपने आप में एक कला है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा होटल वहाँ पे ठीक है रहने के लिए। और वहाँ पर माल रोड भी नहीं है, मगर छोटी मोटी शॉप्स हैं, बट ऐसे प्रॉपर माल रोड नहीं है जैसा आप नैनीताल और मसूरी में ढूंढते हैं। तो ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से चकराता एक बहुत पॉपुलर हिल स्टेशन नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें नेचुरल ब्यूटी की, साफ़ सफाई की और लैंडस्केप्स की, तो उसमें चकराता को मैं 10 में से 10 स्टार देता हूँ। और हमारा जो ये वीडियो है, ये आपको अभी जो इस वीडियो में हम चल बात करेंगे वो करेंगे सिर्फ वहाँ के रास्ते की, वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए और वहाँ के रोड्स कैसे हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग रोड ट्रिप पे जाते हैं स्पेशली हिल स्टेशन पे, तो हमें वहाँ की रोड्स का बारे में थोड़ा जानकारी कम मिल पाती है यूट्यूब्स के वीडियो द्वारा। तो हमने वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आप वहाँ के रास्ते देख सकें, रोड्स देख सकें कितनी नैरो हैं और कितनी सेफ़ हैं आपकी ड्राइविंग स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो हम लोग अपने होटल से 10 किलोमीटर के करीब अभी हैं, और थोड़ा सा रास्ता गलत हो गया था नेविगेटर की वजह से। तो नेविगेशन को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, लोकल बंदों से रास्ता पूछ लें। हमने लोकल लोगों से रास्ता पूछा, होटल वाले से बात करी, तो हमें पता लगा कि हम लोग थोड़ा आगे चले गए थे। तो अभी हम वापस आए हैं, और जो भी आपके रिसॉर्ट हैं थोड़े आइसोलेटेड प्लेस पे, उनको जाने के लिए जो रास्ता है वो नॉर्मल रास्ते से थोड़ा हटके है और थोड़ा सा नैरो है। तो दिन के उजाले में आए ऐसी जगह पर तो ही सही है, बाकी नज़ारा बहुत अच्छा है। गाइज, रोड्स की अगर मैं बात करूं तो चकराता की रोड्स काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड हैं,
कहीं पर भी आपको कच्चा रास्ता नज़र नहीं आएगा और रोड्स कंटिन्यू बनती रहती हैं। हाँ, कुछ जगहों पर रोड्स नैरो हो जाते हैं और बाउंड्रीज भी नहीं होती हैं रोड में, लेकिन अगर आप एक ठीक ठाक ड्राइवर हैं और आप पैनिक नहीं करते हैं हाइट पे जाके, तो आपको ड्राइविंग में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और नज़ारों की क्या बात करें, नज़ारे वहाँ पर काफ़ी अच्छे थे, आपका बार बार मन करेगा गाड़ी रोक के फ़ोटोज़ क्लिक करने का। रास्ता काफ़ी अच्छा है, शांत है और बिल्कुल आइसोलेटेड है। रामताल का रास्ता यही है, रामताल रिसोर्ट भी आगे। गाइस, जैसा कि हमने बताया, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए नहीं आए थे, हमें एक अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए थी जहाँ पर हम कुछ टाइम रिलैक्स कर सकें। हमने अपने इस टूर में दो पॉइंट्स कवर किए थे, एक जो कि हमारे रिसोर्ट के पास ही था वो था रामताल, और दूसरा जो पॉइंट था वो था टाइगर फॉल। तो ये दो पॉइंट्स हमने कवर किए थे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको रामताल रिसोर्ट के बारे में पता लगेगा और उससे नेक्स्ट वीडियो में टाइगर फॉल के बारे में। गाइज, इनके अलावा अगर हम बात करें तो एक पॉइंट है मोयला टॉप। मोयला टॉप के लिए आपको चकराता से भी 40 किलोमीटर अलग जाना होता है, उसके बाद भी आपको 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है। तो क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे थे, इस वजह से हमने उस पॉइंट को अवॉइड किया। और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं वहाँ पर घूमने के लिए, अगर आप के पास टाइम और आप जो घूमना चाहते हैं, तो जिनमें से नाम है किमोना फॉल्स का। किमोना फॉल्स में आपको वाटरफॉल के साथ ही रॉक रैपलिंग का मज़ा ले सकते हैं। व्यास शिखर एक जगह है जो कि काफ़ी पुरानी जगह मानी जाती है, जिसमें कि व्यास बताते हैं कि वहाँ पे रामायण उन्होंने लिखी थी बैठ के। देवबन एक जगह है बर्ड वॉचिंग के लिए फेमस। यमुना एडवेंचर पार्क है एडवेंचर के लिए, लाइक कियाकिंग एंड रिवर राफ्टिंग। इसके अलावा आप चिलमेरी नेक जा सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आप वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ हम पहुँच गए अपने रामताल रिसोर्ट पे, जो कि सामने आप देख सकते हैं वो रामताल व्यू पॉइंट भी है, तो जो कि उसके बिल्कुल नज़दीक है हमारा रामताल रिसोर्ट। काफ़ी ढूंढने से, काफ़ी एक्सप्लोर करने से हमें ये होटल मिला था। काफ़ी आइसोलेटेड प्लेस पे है और बिल्कुल टॉप पे है। इसको जाने के लिए आपको थोड़ा सा चकराता से अलग निकल के जाना पड़ेगा। और बाकी इस होटल की जो और डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो देखते रहें, घूमी घूमी और इन्जॉय करें हमारे वीडियोज़ को। बाय बाय।